नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। ममता बनर्जी बोली, अगर मोदी दोबारा जीतते हैं तो ये देश का अंतिम चुनाव होगा। कूच बिहार में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि यदि फिर सत्ता में आए तो वह संविधान को टुकरा देंगे और देश को लोकतांत्रिक की जगह एक ही व्यक्ति पर केंद्रित देश बना देंगे। यदि ऐसा हुआ तो आगामी लोकसभा चुनाव देश का अंतिम चुनाव हो सकता है। छात्र ने पूछा, 72,000 देने के लिए फंड कहां से लाएंगे? राहुल गांधी ने दिया ये जवाब, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए युवा वोटरों पर हर किसी की नजर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों से सीधा संवाद किया। इस दौरान कई छात्रों ने राहुल गांधी से खुलकर सवाल भी किए। एक छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि न्याय योजना का फंड कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि हम नीरव मोदी, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या से पैसे लेकर गरीबों को देंगे। मलिंगा ने 24 घंटे के भीतर दो देशों में खेले दो मैच, झटक लिए 10 विकेट। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने 24 घंटों के भीतर ही दो अलग अलग देशों में एक T20 और एक 50 ओवर का मैच खेला। मलिंगा ने बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग का मैच खेला और फिर उन्होंने यहां श्रीलंका के घरेलू क्रिकेट मैच में 50 ओवर के एक मुकाबले में भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक 5 से 9 अप्रैल के बीच कश्मीरी घाटी में जैसे मोहम्मद के आतंकी हमले कर सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को भी लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ था। चीन में आयुष्मान खुराना की अंधाधुन ने किया धमाका। एक पियानो बजाने वाले नेत्रहीन युवक की कहानी और मर्डर के सस्पेंस पर बनी फिल्म अंधाधुन ने चीन में अपनी रिलीज के पहले दो दिनों में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 21 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन कर लिया है। श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी और आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे और तप्पू स्टारर फिल्म अंधाधुन को चीन में पियानो प्लेयर के नाम से रिलीज किया गया है। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।